हाय डियर्स, वेलकम बैक टू माय repair24h.com। मैं इस्माइल शेख, जो कई सारी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में काम किया हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस इंजीनियर्स हूं। तो माइक्रोवेव के अंदर 5 इलेक्ट्रिकल पार्ट्स ऐसे हैं जिनके फॉल्टी हो जाने से माइक्रोवेव अबनॉर्मल आवाज करता है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के आवाज होने लगते हैं। तो आज हम क्लियर कर देंगे कि फॉल्ट कौन से स्पेयर पार्ट्स में है और उस फॉल्ट तक कैसे पहुंचा जाए कि हमें पता चल जाए कि इसी पार्ट में फॉल्ट है और उसको सॉल्व किया जाए। माइक्रोवेव में आवाज़ क्यों होती है, इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हम बताने जा रहे हैं ये मैग्नेट्रॉन को ठंडा करने के लिए जो फैन लगा होता है इस माइक्रोवेव के अंदर, इसको कहते हैं मैग्नेट्रॉन वेंटिलेशन फैन। अगर ये खराब होता है मोटर, तो इसमें आवाज कौन सी होती है, तो उसका सॉल्यूशन मैं करके बताऊंगा, सॉल्व भी करके बताऊंगा। दूसरा, ये टर्न टेबल मोटर, इसकी आवाज कैसी होगी उसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा और इसको रिप्लेस भी करके बताऊंगा कि कैसे रिप्लेस कर देना चाहिए, वेरी इजली ये सॉल्व हो जाएगा। और वीडियो के दूसरे पार्ट में हम प्रैक्टिकल करके इसको रिप्लेस करके बताएंगे इन तीनों पार्ट को। ये इस माइक्रोवेव के हाई वोल्ट सेक्शन में यूज होते हैं 3 पार्ट। हाई वोल्ट कैपेसिटर, ये ब्लैक कलर का हाई वोल्ट डायोड, इसमें फॉल्ट होगा तो इसमें फॉल्ट होगा तो, या कि इस मैग्नेट्रॉन के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसी आएगी तो कैसा आवाज करेगा, यह आवाज करेगा या कि इस मैग्नेट्रॉन को सपोर्ट करने वाला कोई दूसरा पार्ट है वो आवाज करता है, तो उसको मैं क्लियर करूंगा और इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं करके दिखाऊंगा। दूसरे पार्ट में आप आवाज को सेंस करिएगा कि माइक्रोवेव के अंदर कौन सी आवाज आती है तो कौन सा स्पेयर का प्रॉब्लम होता है। हम फर्स्ट टेस्टिंग आपको समझाएंगे, हम माइक्रोवेव को स्टार्ट करते हैं। जस्ट इट विल स्टार्ट। तो इस माइक्रोवेव के बेस साइड में फिट है और उसके ऊपर ऐसे गियर्स लगे हुए हैं, ये जब रोटेट होता है तो आवाज करता है। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, ये कहां पर है हम आपको दिखाना चाहते हैं। जो यहां पर फिट है हम इस कवर को खोलेंगे, हम इसको खोलेंगे जिसमें से एक स्क्रू है और कुछ लॉक्स हैं, हम इनको तोड़ेंगे। कुछ लॉक्स हैं और एक स्क्रू भी है, नहीं तो ये बाहर ऐसे भी आ जाएंगे। इसके अंदर 2 स्क्रू हैं, ये दोनों स्क्रू को खोल करके हमें ये बाहर ले लेना होगा इस टर्नटेबल मोटर को। इनके दोनों कनेक्शन को ओपन करके अब हम इसकी जगह पे हम दूसरा यहाँ पर फिटिंग कर सकते हैं जो जिसमें आवाज नहीं होगी। हमें इनके स्क्रू को वापस लगा देना है। ये लगाने के बाद में ये दोनों वायर्स को हमें वापस कनेक्ट कर देना है। 220 वोल्ट्स के जो वायर्स इसको आ रहे हैं, जो कनेक्शन है ये हमें ओक्ट करके हमें इसको वापस बंद कर देना है। अब वापस हम इस कपलर को अंदर बिठा देंगे यूं फर्स्ट, और उसके बाद में दूसरा इसको डाल देते हैं। ग्लास सेल्फ को भी इसके ऊपर से बिठा देते हैं। ये ओके हो चुका है। अब फॉल्ट नंबर 2 टेस्ट करेंगे। ये डिफरेंट टाइप की आवाज रहेगी, हम अंदर प्लेस करेंगे और स्टार्ट करेंगे। अगर आप माइक्रोवेव मोड पे कुछ हीटिंग कर रहे हैं या कुकिंग कर रहे हैं, उस पे अगर के की आवाज आती है, जितनी देर तक माइक्रोवेव चलेगा उतनी देर तक की आवाज होगी। जब इस फैन मोटर के अंदर की जो सॉफ्ट बुशिंग होती है, जो नायलॉन की बुशिंग होती है, वो जब घस जाते हैं या कि इनके अंदर जो लुब्रिकेंट जो पिलाए रहते हैं, जो ग्रीस के जैसा जो पिलाया हुआ रहता है सॉफ्ट को, वो सूख जाते हैं, जिससे ये आवाज करता है। जब भी ये रोटेट होएगा के करके आवाज करेगा। ऐसे में इस फैन मोटर को रिप्लेस कर देना चाहिए जो यहाँ पर फैन मोटर लगा हुआ है। इस फैन मोटर को हम यहां से खोलेंगे, ऐसे यूं निकालेंगे और इनके 2 कनेक्शन को ओपन करेंगे। यहां से हम बिल्कुल ऐसे इनको बाहर ले लेते हैं और इन कनेक्शन को ओपन कर देंगे। यहां से निकालने के बाद में इस फैन मोटर को, फैन ब्लेड को बाहर निकालेंगे। किसी किसी मोटर में स्क्रू होते हैं, इनको खोला भी जा सकता है, लेकिन ये रिपीट किया हुआ है तो इन्हें हमें बाहर से ही यूं ऑयल पिलाना पड़ेगा। दोनों साइड में ऑयल पिला देने से हम वापस जब ये फिटिंग करेंगे तो इनकी
नॉइज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ले जाते हुए इन्हें वापस फिट कर देना है और इस ब्लेड को हमें वापस फिट कर देना है उसी जगह पे। ये ओके हो चुका है। और वीडियो के चलते चलते हम आपको एक इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहता हूँ कि इंडिया की किस किस सिटी में हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप हमारे इस नंबर पे डायल करके हमको कॉल कर सकते हैं, हमारे वेल क्वालिफाइड सर्विस इंजीनियर्स आप तक पहुँच सकते हैं और आपके माइक्रोवेव के अंदर हो रही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जा करके दूसरी वीडियो को भी वॉच करिए। बस इसी के साथों साथ हम आपको एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। एक लाइक प्लीज अभी।